इनको फोन पहुंच चुका है और बताया जा रहा है 11:30 बजे तब सभी संभावित मंत्री होंगे जिनके साथ चाय पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। तो पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। देश विदेश से मेहमान दिल्ली पहुंच चुके हैं और आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं, चार तस्वीरें अलग अलग देख सकते हैं कि क्या किस तरह से अभी तैयारियां चल रही है, कौन कौन पहुंचा है। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, इस वक्त दिल्ली में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, हर तरफ सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं शपथ ग्रहण की। शाम को ये शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा, 7:15 बजे का टाइम दिया गया है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो सहभागियों का साथ है शपथ की तैयारियों में, सहयोगियों का साथ है और मेहमान आ चुके हैं। दिल्ली में सुरक्षा इसलिए सख्त और हो गई है क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह है। मेहमानों का पहुंचने का सिलसिला कल से ही शुरू हो गया था और मेहमान पहुंच चुके हैं दिल्ली। रायसीना हिल्स पर जब पीएम मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो वह ऐसा करने में देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की कतार में खड़े होंगे। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस पल का गवाह बनेगी या नहीं, इस पर सस्पेंस गहरा गया है। कांग्रेस का दावा है कि उसे अब तक शपथ ग्रहण समारोह का न्योता नहीं मिला है। आपको बुलाया गया, आप लोगों को बुलाया गया। शपथ ग्रहण समारोह के लिए सिर्फ अंतरराष्ट्रीय नेताओं को निमंत्रण गया है। जब हमारे इंडिया जनबंधन के नेताओं को निमंत्रण आएगा, अगर वो आएगा, उस पर हम विचार करेंगे। साल 2014 और 2019 में कांग्रेस नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। कांग्रेस नियुक्ति के बाद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पर विचार करेगी। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।